हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखनाथ मंदिर में 5 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा गुरु शिष्य का परंपरागत पर्व गुरु पूर्णिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने परिवार के साथ घरों में ही मनाएं गुरु पूर्णिमा का पर्व। आबकारी विभाग ने ब्रांडेड शराब की बोतलों के ढक्कन और बारकोड को अपनी फैक्ट्री में बनाकर नकली शराब बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। उप आबकारी आयुक्त ने बताया लगभग 50 लाख रुपए के ब्रांडेड कंपनियों के ढक्कन और बारकोड वाले स्टिकर किए गए बरामद। जिलाधिकारी ने किया निर्माणाधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण, कहा 3 महीने में शुरू हो जाएगी प्रयोगशाला। इसके अलावा जिला अस्पताल के ओपीडी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए विभागों को किया जाएगा शिफ्ट, जिससे ओपीडी में न लगने पाए मरीजों की भीड़। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की जांच में 51 शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। बीएसए बीएन सिंह ने बताया अब तक 13 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है रिकवरी। महानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी ने गुरुवार को हॉट स्पॉट बनाए गए क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों को कोरोना के बचाव के प्रति किया जागरूक। जिला प्रशासन के द्वारा दुकानों के लिए जारी किया गया रोस्टर अनलॉक 2 में भी रहेगा जारी, एडीएम सिटी ने दी जानकारी। सुमेर सागर ताल पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए गुरुवार को भी चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम सदर ने कहा जल संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सुमेर सागर ताल। गीडा में बन रहे आरटीओ कार्यालय का गुरुवार को जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुभ ने रामगढ़ ताल थाना का किया निरीक्षण, कार्यालय में रखी फाइलों और असलहों के रख रखाव का लिया जायजा, किया वृक्षारोपण। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 376 जबकि 245 हो चुके हैं डिस्चार्ज, 13 लोगों की हो चुकी है मौत, एक्टिव केस 118। सीएम डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। नवागत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने किया पदभार ग्रहण, कहा नागरिकों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देना ही होगा प्रमुख प्राथमिकता। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्ट्रेट के एंट्री गेट पर बनाया गया कोविड-19 हेल्प डेस्क। एडीएम सिटी ने कहा कोरोना हेल्प डेस्क के माध्यम से परिसर में आने वालों की होगी चेकिंग, रोका जाएगा संक्रमण। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा सदर तहसील क्षेत्र में नहीं है टिड्डियों का आतंक, टीम गठित कर किसानों की फसलों की जा रही है निगरानी। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम विषय पर आधारित 2 दिवसीय वेबिनार का हुआ शुभारंभ, कोविड-19 से बचाव के लिए प्राकृतिक औषधियों पर हुई चर्चा।